हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित सूर्यकुंड परिसर में श्री हनुमान श्रद्धा भक्ति महिला समिति एवं कलश यात्रा निकालने के बाद 26 जनवरी से शिव महापुराण कथा का आयोजन रामगोपाल शर्मा की देखरेख में किया जा रहा है। शिव महापुराण कथावाचक श्री वृंदावन धाम से पधारे आचार्य जुगल किशोर द्विवेदी अपने शिवमुख से कथा का श्रवण करा रहे हैं, जिसे बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं व पुरुष शामिल होकर कथा का श्रवण कर रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के सूर्यकुंड परिसर में आयोजित शिव महापुराण कथा का श्रवण करने सैकड़ों की संख्या में भक्त रोजाना पहुंच रहे हैं। 1 फरवरी को शिव महापुराण का पूर्णाहुति के साथ समापन होगा, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। और भगवान श्री हरि ने भी एक संकल्प किया हुआ है आपस में एक दूसरे के लिए, क्योंकि एक दूसरे को प्रभु मानते हैं। कहा है कि प्रभु जब आप अवतार लोगे तो आपके उस रूप के दर्शन करने पहले हम जाएंगे, और वो कहते हैं प्रभु जब आप अवतार लोगे तो हम आपके दर्शन करने जाएंगे। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करो भोले बाबा आप करो श्री माघ के महीने में विश्व कल्याण आ रहा। और एक और बात कि भिलाई वासियों को बड़ी खुशी हुई कि भगवान शिव के बड़े प्रिय और उनके आराध्य भगवान राम मंदिर में विराज गए, तो सब लोगों को बड़ी इच्छा थी कि जो है उनके उपलक्ष्य में, और कुंभ में भी ये बात घोषित हो चुकी थी कि यहाँ पर शिव पुराण होगा। बड़ा ही सुंदर आयोजन हुआ। हमारी श्रद्धा भक्ति महिला समिति और समस्त सहयोगी, जैसे हमारे गोपी शर्मा जी भी सहयोगी हैं श्रद्धा भक्ति महिला समिति के, और हमारे सब ये शिष्य हैं, दीक्षा शिष्य, और बाकी सब उनकी श्रीमती जी और बाकी सब श्रद्धा भक्ति महिला समिति से, और हमारे जहाँ मैया सब लोग यहाँ पर उपस्थित, सबने बड़ा आनंद लिया। राम गोपाल शर्मा, गोपी शर्मा, इस श्री हनुमान मंदिर महिला भक्ति, श्री हनुमान मंदिर श्रद्धा भक्ति महिला समिति, इनके साथ उनके सहयोग के लिए जुड़ा हूँ कि ये कार्यक्रम आगे से आगे और सनातन के लिए भी, और श्री शिव महापुराण भगवान शंकर जी की कथा थी, इसलिए पूरे हाउसिंग बोर्ड के अंदर एक ऐसा वातावरण हुआ जो शिवमय हो गया। और 25 तारीख को इसकी कलश यात्रा थी, 26 तारीख गणतंत्र दिवस के दिन, जो बहुत बड़ा महोत्सव था हमारा गणतंत्र दिवस, उस दिन से यह कथा शिव महापुराण यज्ञ का प्रारंभ हुआ, और कल 1 फरवरी को इसकी कथा होगी और इसका हवन होगा, और उसके बाद 2 बजे से भंडारा, जिसमें आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। लगभग 7 से 10 हज़ार लोगों का भंडारा है। ये इस श्रद्धा महिला भक्ति की तरफ से ही है, इनका बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं, इनके अथक प्रयास से ये कार्य हुआ। सर्वज जी, पहली कार्यक्रम है किसके पहले ये पहले? इससे पहले श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई थी पिछली बार, 31 दिसंबर से चालू हुई थी, और इसको शिव महापुराण को हमें श्रावण मास में कराना था, लेकिन हमारे भाभी जी का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए हम उसमें सहभागी नहीं हो सके, इसलिए ये लेट हो गए, अभी चालू हुआ। और इस महिला समिति में मेरी धर्मपत्नी है मनोज देवी शर्मा, इसलिए मैं भी इनके साथ ही लोग सबके सहयोग से ही किए हैं, और प्रभु की कृपा इतना हुई कि अच्छे से बरस रहे हैं,
और जो हमारे गुरु जी हैं और गोपी भैया जी हैं, उन लोग के बिना हाथ से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी सबका हो, कल्याण हो रहा है, सबका मंगलमय हो रहा है और बहुत अच्छा आनंद लग रहा है हम लोग को। श्रद्धा भक्ति में लग रहा है।